हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम प्री बोर्ड परीक्षा पेपर 2021-22 विषय भूगोल कक्षा 12वीं का यहां पर कंप्लीट सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको और अन्य सभी सब्जेक्ट के प्री बोर्ड परीक्षा पेपर कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ उपलब्ध करा दिए हैं। यदि आपने इसके पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छे से नोट करते जाना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक एक में आपको सही विकल्प पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चंस का आंसर इस प्रकार से मार्क्स होगा, दूसरे क्वेश्चंस का आंसर चीन होगा, तीसरे क्वेश्चंस का आंसर व्यवसाय होगा, चौथे क्वेश्चंस का आंसर महाराष्ट्र होगा, पांचवें क्वेश्चंस का आंसर यहां पर चक्रीय संसाधन होगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक एक के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक दो के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे। पहले क्वेश्चंस का आंसर अप झमाड़ होगा, दूसरे क्वेश्चंस का आंसर 15 से 59 वर्ष होगा, तीसरे क्वेश्चंस का जो आंसर होगा संस्थापक सदस्य होगा, चौथे क्वेश्चंस का आंसर लोग होगा, पांचवें क्वेश्चंस का आंसर यहां पर आयताकार प्रतिरूप होगा, इसके बाद छठवें क्वेश्चंस का आंसर चंबा जिले होगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक दो के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी को इसका सॉल्यूशन उपलब्ध हो सके। इसके बाद प्रश्न क्रमांक तीन में आपको सही जोड़ियां पूछी गई हैं, तो इस प्रकार से आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद प्रश्न क्रमांक चार में आपको इस प्रकार से एक शब्द या एक वाक्य में प्रश्न पूछे गए हैं। पहले क्वेश्चंस का आंसर यहां पर प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या से, दूसरे क्वेश्चंस का आंसर 121 करोड़ होगा, तीसरे क्वेश्चंस का आंसर यहां पर बिहार होगा और चौथे क्वेश्चंस का आंसर 5 फीट 6 इंच अर्थात 1676 मिलीमीटर होगा। इसके बाद पाँचवें क्वेश्चंस का आंसर स्थानांतर कृषि होगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक चार के सभी प्रश्नों के आंसर हो जाएंगे, इनको आप अच्छे से नोट कर लीजिए और आपको अच्छे से सभी क्वेश्चंस के आंसर को आपको अच्छी राइटिंग में लिखना है ताकि आपको पूरे में से पूरे अंक मिले। क्योंकि स्टूडेंट, हो सकता है कि इस वर्ष भी कोरोना काल की वजह से आपके बोर्ड एग्ज़ाम के पेपर ना हों, तो इन्हीं के आधार पर आपका रिजल्ट तैयार किया जाएगा, इसलिए सभी पेपर को आपको अच्छे से लिखना है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक पाँच में आपको सत्य असत्य पूछे गए हैं, तो पहले क्वेश्चन से यहाँ पर सत्य हो जाएगा, दूसरा क्वेश्चन आपका सत्य होगा, तीसरा क्वेश्चन असत्य होगा, चौथे क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर सत्य हो जाएगा, पांचवें क्वेश्चन का आंसर असत्य होगा, इसके बाद यहाँ पर छठवें क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर असत्य हो जाएगा। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक छः का आंसर होगा इस प्रकार से, रेट जेल के अनुसार मानव भूगोल की परिभाषा। तो इस प्रकार से परिभाषा हो जाएगी, इसको आप अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आप वीडियो को रोककर या फिर आप स्क्रीनशॉट लेकर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक सात का आंसर होगा इस प्रकार से, आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक आठ का आंसर होगा, स्थानांतरीय कृषि की दो विशेषताएं। इस प्रकार से आपको दो विशेषताएं लिखना है, तो यह आपके प्रश्न क्रमांक आठ का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक नौ का आंसर होगा, कृषि आधारित उद्योग। इस प्रकार से कृषि आधारित उद्योग हो जाएंगे, पहला होगा धान एवं दालें गलना, दूसरा हो जाएगा गेहूं एवं अन्य अनाज पीसना, तीसरा यहाँ पर जो उद्योग होगा मधुमक्खी पालन या फिर पालन उद्योग, इसके बाद चौथा जो उद्योग होगा दुग्ध व्यवसाय होगा, पांचवा होगा यहाँ पर मुर्गी पालन। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक नौ का आंसर हो जाएगा, इसको आप अच्छे से नोट कर लें।
इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन मानव बस्ती, इस प्रकार से आंसर होगा कि एक स्थान जो साधारणतया स्थायी रूप से बसा हुआ हो उसे मानव बस्ती कहते हैं। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 का आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर होगा। मुख्य श्रमिक वह व्यक्ति जो एक वर्ष में कम से कम 183 दिन काम करता है मुख्य श्रमिक कहलाता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिखते जाइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 12 का आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 13 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। आपको यहां से लेकर यहां तक इस प्रश्न के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर होगा। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले तीन प्रमुख भौगोलिक कारक निम्न हैं। इस प्रकार से यहाँ पर तीन भौगोलिक कारक हो जाएंगे। पहला कारक जल की उपलब्धता होगा, दूसरा कारक भू आकृति होगा, तीसरा कारक यहाँ पर जलवायु होगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्न क्रमांक 14 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 15 का आंसर होगा। इस प्रकार से छोटे एवं बड़े पैमाने के उद्योग में इस प्रकार से अंतर हो जाएगा। यहाँ पर आपको कोई भी तीन अंतर को लिखना है। तो इस प्रकार से आप वीडियो को रुककर इन सभी प्रश्नों के आंसर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 16 का आंसर होगा। ग्रामीण जनसंख्या और नगरीय जनसंख्या में अंतर। तो इस प्रकार से आपको तीन अंतर लिखना है, तो आप इसको अच्छे से लिख सकते हैं। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर होगा। खरीफ फसल व रबी फसल में अंतर। तो इस प्रकार से आप अंतर लिख सकते हैं। आप कोई भी चार या पांच अंतर को आप अच्छे से लिख सकते हैं। तो यह है आपके प्रश्न क्रमांक 17 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। इसको आप अच्छे से लिख लें। इसके बाद यह आपके प्रश्न क्रमांक 18 के अथवा वाले क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के आंसर को आपको अच्छे से लिख लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।